रायबरेली जनपद आंदोलनों की धरती रही। एक तरफ राणा बेनी माधव और वीरा पासी जैसे महान योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े, तो वहीं किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन रायबरेली से ही शुरू किया। हजारों की संख्या में किसानों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया और उनके सिपलासार तालुकेदारों के खिलाफ खुले जंग का ऐलान कर दिया। किसानों की यात्रा धीरे धीरे रायबरेली की ओर बढ़ने लगी, तब अंग्रेजी हुकूमत के इन कारिंदों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने शहादत दी। रायबरेली, फुर्सतगंज और सरेनी में अलग अलग आंदोलनों में किसान मारे गए। आजादी के अमृत महोत्सव काल में ऐसे इतिहास को संजोने के लिए सरकार के प्रयास के कारण प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुंशीगंज शहीद स्थल पर जाकर ज्ञान अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का भी वादा किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को जान सके। रायबरेली वासियों के लिए आज शौर्य का दिन है कि अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाला किसान आंदोलन जो रायबरेली में हुआ था, जिसको लोग दूसरे जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, हम लोगों को गर्व है कि हमारे किसानों ने इस स्तर का संघर्ष किया। और हम लोगों को प्रेरणा देता है उनका संघर्ष हमेशा कि हम लोग जनहित में किस तरह का संघर्ष हमको करना चाहिए, कर सकते हैं। मैं अपने उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, आज के तारीख में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हम कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक की हैसियत से उन सभी पंडित अमोल शर्मा सहित सभी ज्ञात अज्ञात जो आज के दिन उनका योगदान रहा है हमारे रायबरेली के लोगों के लिए, उनको नमन करता हूं।